This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries. The taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे हेड इंजरी यानी सिर पर चोट लगने पर क्या गलतियां हरगिज नहीं करनी चाहिए। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या जितने सफेद दांत उतने हेल्दी। और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, अगर सीने में जलन रहती है तो क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मयंक दिल्ली के रहने वाले हैं, 29 साल के हैं। अब करीब एक साल पहले उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त मयंक बाइक चला रहे थे, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। जब वो गिरे तो आसपास के लोग मदद करने भागे, मयंक को काफी चोट लगी थी। अब इस बीच किसी ने मयंक का हेलमेट उनके सिर से उतार दिया, ध्यान दिए बगैर। मयंक को सिर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर चोट आई थी। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उनका इलाज चला। आपको पता है इन सब के बीच एक बहुत बड़ी गलती कर दी गई। मयंक की हेलमेट एक्सीडेंट के बाद जिस इंसान ने उतारी थी, उसने हेलमेट उतारते समय ध्यान नहीं बरता था। उसे लगा था कि हेलमेट उतार देना चाहिए। नतीजा मयंक की इंजरी और ज़्यादा बदतर हो गई। लगभग 4 महीने इलाज के बाद मयंक थोड़े ठीक हुए। डॉक्टर्स के साथ एक सेशन में उनको ये बात बताई गई। अब लगभग 1 साल बाद मयंक काफ़ी ठीक है। उन्होंने हमें मेल किया, वो चाहते हैं हम लोगों तक हेड इंजरी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी पहुंचाएं, खास तौर पर क्या गलतियां हैं जो लोगों को हरगिज नहीं करनी चाहिए, उन्हें वो ज़रूर बताएं। तो आज बात करते हैं हेड इंजरी के बारे में। पहले जानते हैं अलग अलग तरह की हेड इंजरीज के बारे में। अब हम समझते हैं कि आखिर हेड इंजरी कितने प्रकार के होते हैं। तो उसे हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं कि दिमाग के किस हिस्से में चोट लगी है। अगर बाहरी हिस्से में सिर्फ स्किन के हिस्से में चोट लगी है, उसमें खतरे की कोई बात नहीं है। स्किन के जस्ट नीचे खोपड़ी यानी क्रैनियम होती है, बोन्स होते हैं, अगर उसमें चोट लगी हो तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसे हम सीटी स्कैन के द्वारा देखते हैं। उसके नीचे दिमाग के ऊपर एक आवरण होती है, चादर नुमा आवरण, जिसे हम मेनिंजेज कहते हैं। इस मेनिंजेज के 3 सतह होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। अगर खोपड़ी और ड्यूरा मैटर इन दोनों के बीच में चोट लगने की वजह से रक्त का जमाव हो जाता है, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, ड्यूरा मैटर के बाहर और क्रेनियम के नीचे। चूंकि यहाँ पे रक्त का स्राव जिस नली के फटने से होता है उसमें दबाव बहुत अधिक होता है, तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खून यहाँ पे जमा होगा, या जो भी खून जमा होगा उससे बहुत अधिक दबाव पैदा होगा और उससे ब्रेन के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और जान जाने का खतरा होता है। सबसे खतरनाक बात ये कि शुरुआती 24 घंटे तक कभी कभी मरीज को कोई लक्षण नहीं आते हैं। इस स्थिति में हो सकता है मरीज समझे कि वो भ्रम में रहे कि हमें तो कोई खास परेशानी हुई नहीं, हमें ऊपर के जो रेड फ्लैग साइन है वो तो आए नहीं। इस भ्रामक स्थिति को हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। इसीलिए किसी भी सर में लगे हुए चोट वाले व्यक्ति को या तो हम सीटी स्कैन करते हैं या डॉक्टर की निगरानी में 24 घंटे रखते हैं। अगर 24 घंटे के बाद तक भी कोई रेड फ्लैग साइन नहीं आए तो हम मान लेते हैं कि चोट गंभीर नहीं थी। ड्यूरा मैटर के नीचे और ब्रेन के बीच में खोपड़ी, उसके नीचे ड्यूरा मैटर, उसके नीचे ब्रेन। तो खोपड़ी और ड्यूरा मैटर के बीच में एक्स्ट्रा ड्यूरल, ड्यूरा मैटर और ब्रेन के बीच में सब ड्यूरल। सब ड्यूरल मैटर में अगर खून का जमा हो तो यहाँ जो खून की नली होती है उसमें बहाव का दबाव कम होता है, तो इसमें धीरे 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 खून का जमा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि सालों तक, महीनों तक हमें कोई लक्षण नहीं आते, उसके बाद अचानक से, ऐसा अक्सर वृद्ध लोगों में होता है, बूढ़े लोगों में होता है कि कुछ महीनों या सालों के बाद अचानक से उन्हें सरदर्द हो या फिर होश में अचानक से कमी आने लगे या लकवा पड़ने लगे, और सीटी स्कैन कराते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा यहाँ तो खून का जमा हो गया है। अगर खून की नली डायरेक्ट ब्रेन के अंदर ही फटी हो उसे इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं। इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज खतरनाक स्थिति होती है और इसमें मरीज को लकवा पड़ सकता है, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, या कभी कभी दबाव ज़्यादा हो तो ब्रेन के हिस्से को इतना दबाव
पाते हैं कि वो उसके हिस्से एक जगह से दूसरी जगह खिसकने लग जाते हैं और उसमें जान जाने का डर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खून कहीं नहीं बहा, हड्डी कोई भी नहीं टूटी, लेकिन चोट के चलते जो सर के अंदर मूवमेंट होते हैं, हलचल होती है, उसमें सर और उसके संपर्क के तार, उसमें खींचातानी की वजह से सर का संपर्क प्रभावित हो जाता है, उसकी वायरिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरी। इसमें मरीज के होश को काफ़ी नुकसान हो जाता है, वो बेहोशी की स्थिति में कोमा की अवस्था में पहुंच जाता है और जनरली ऐसा होता है, मूवमेंट ऐसा होता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। हेड इंजरी से किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपने डॉक्टर साहब से वो सुन लिया। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हेड इंजरी के केस में हरगिज नहीं करनी चाहिए, साथ ही रोशनी डालते हैं इलाज पर। अब हम ये जानें कि अगर किसी को हेड इंजरी हो तो सबसे पहले हम क्या करें। पहले तो हम रेड फ्लैग साइन को पहचाने और उसके बाद उसे सबसे नजदीकी अस्पताल में ले जाए जहां सिटी स्कैन की फैसिलिटी हो। अगर सिटी स्कैन में कोई गंभीर खतरे के निशान नहीं है तब तो हम उसे बाहरी चोट के लिए घाव की ड्रेसिंग करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, टेटवेक का टीका लगाते हैं, टेटनस का टीका लगाते हैं, दर्द की दवाइयां देते हैं। अगर चोट ज़्यादा हो और उसके चलते ब्रेन के अंदर में मस्तिष्क के अंदर दबाव पड़ रहा हो तो दबाव कम करने के लिए हम मैनिटोल, ग्लिसरॉल जैसी दवाइयाँ देते हैं, या कभी कभी खोपड़ी को ऑपरेशन करके हटाया जाता है ताकि दबाव को कम किया जा सके। अगर चोट की वजह से किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो उसमें मिर्गी की दवाई शुरू की जाती है। ध्यान रहे, यहां शुरू करने वाली मिर्गी की दवाई कभी कभी मरीज को छुट्टी के बाद ही साल दो साल तक चलानी पड़ती है, तो इस दवाई को अच्छे से समझ लें। कभी कभी उसके चलते अगर बेहोशी की स्थिति हो जाती है तो उसमें मरीज को वेंटिलेटर पर भी रखने की जरूरत पड़ सकती है और कभी कभी कोमा में मरीज को महीनों रखना पड़ सकता है। अब अगर ऐसे मरीज अस्पताल में रखें और उनका इलाज हो जाए, उसके बाद उन्हें छुट्टी हो जाए, तो घर में किन बातों का परहेज रखें। सबसे पहले कि जो दवाइयाँ अस्पताल से दी गई हैं उसे अच्छी तरह समझ लें। एंटीबायोटिक्स या दर्द की दवाइयाँ कुछ दिनों के लिए दी जाती है, लेकिन मिर्गी की दवाई महीनों सालों तक चलती है। तो बहुत बार लोग गलती से क्या करते हैं कि मिर्गी की दवाई कुछ दिन में ही बंद कर देते हैं और मरीज की स्थिति खराब हो जाती है। नंबर टू, ऐसे मरीज अगर व्हीलचेयर पे पड़े हुए हैं या बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बेड रिडन है, अपाहिज हैं, तो उनकी फिजियोथेरेपी सबसे जरूरी है। फिजियोथेरेपी से ही हम उनकी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हाथ पैर में जो विकलांग हो जाए उसे ठीक कर सके, तो उसके पीछे अनमनस्क नीम हकीम के चक्कर में न पड़े, अच्छी फिजियोथेरेपी कराएं। अगर मरीज को निगलने में दिक्कत है तो उन्हें नाक की नली लगाई जाती है, तो राइस ट्यूब से ही उन्हें खाना पानी दें। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनके मुंह में कुछ डाल दें, वो चीज़ उनके फेफड़े में चली जाएगी और उससे उनको नुकसान हो जाएगा। बिस्तर पर पड़े पड़े मरीज को अक्सर संक्रमण हो जाता है, बेड सोर बन जाते हैं, उससे फिर उनकी स्थिति खराब होती है, तो बेड सोर का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। जब कभी भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र में जाएं, आप जैसे यातायात के साधन में हेलमेट का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन पर जरूर गौर करिएगा, ये किसी की जान बचा सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। सफ़ेद दांत यानी हेल्दी दांत, अब ये धारणा बहुत ही आम है। धारणा हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सच नहीं है। आप किसी के सफ़ेद चमकते हुए दांत देखते हैं, उन्हें देखकर आपको लगता है कि वाह क्या दांत हैं, कितने हेल्दी होंगे। ऐसा नहीं है। हम अक्सर दांतों की सफ़ेदी को हेल्थ समझ लेते हैं कि बहुत ही हेल्दी हैं, पर आपके दांतों का रंग आपके ओरल हेल्थ का सर्टिफिकेट नहीं है। सबके दांतों का रंग और शेड अलग अलग होता है और ऐसा होने के पीछे कई वजह हैं। आपके दांतों पर एक तत्व की कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं इनामल। इसके शेड और थिकनेस अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। अब शेड हमेशा सफ़ेद नहीं होता और ये एकदम नेचुरल है। अगर आपके दांत सफ़ेद नहीं हैं फिर भी वो हेल्दी हो सकते हैं। दांतों का अनहेल्दी होना तब माना जाता है जब उनका रंग स्टेनिंग और प्लैक के कारण बदल जाए। स्टेनिंग यानी जब कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, तंबाकू पीता है, कॉफ़ी पीता है, अब ऐसी चीज़ों के सेवन से उनके जो दांतों का रंग है वो बदल जाता है। वहीं प्लैक आपके दांतों पर जमने वाली एक हानिकारक परत होती है। अगर आपको ये दिक्कत नहीं है पर फिर भी आपके दांत ऑफ वाइट रंग के हैं तो परेशान मत होइए, आपके दांत हेल्दी हैं। अक्सर ब्रेसेस पहनने के कारण दांत हल्के पीले पड़ जाते हैं, कई बार उन पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दांतों को अच्छे से साफ करें। एक बात और, दांतों का रंग इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप दुनिया के किस हिस्से में पैदा हुए हैं, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप।
हार्ट बर्न खाने की नली और पेट के बीच वॉल्व ढीले होने से होता है। इसमें छाती के बीच जलन होती है या फिर खट्टा पानी ऊपर आने का एहसास होता है। अगर आपको सीने में जलन यानी कि एसिड रिफ्लक्स की परेशानी रहती है तो अपनी डाइट पर खास ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करिए, जैसे फ्राइड फूड, वो खाना जिसमें बहुत सारा फैट हो, जैसे कि फ्राइज, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मक्खन, आइसक्रीम, चिप्स। इसके अलावा वो चीज़ें अवॉइड करिए जिनमें विटामिन सी हो, जैसे नींबू, टमाटर, संतरे। चॉकलेट से भी परहेज करिए। साथ ही वो खाना अवॉइड करिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्याज और लहसुन हो, और स्पाइसी खाना तो बहुत ही कम कर दीजिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।